तुसीं देख रहे हो अंबेडकर मिशन न्यूज़ चैनल, मैं तुहाडा अपना सरबजीत सिंह टोला। अज असीं पहुंचा मलेरकोटला म्युनिसिपैलिटी दे विच, जिथे कि आम आदमी पार्टी वालों पंजाब दे विच पहली म्युनिसिपैलिटी ते कब्जा किया गया, अपना पहला प्रधान जो मलेरकोटला दे विच लगाया गया। तुहानूं दिखा रहे हां लाइव तस्वीरां मलेरकोटला म्युनिसिपैलिटी दे विच, साडे नाल जुड़े रहो जी। अज मलेरकोटले दे लई बहुत ही खुशी भरिया दिन है, जदों कि पूरे पंजाब दे विचों पहली नगर कौंसल है जिथे आम आदमी पार्टी का प्रधान अज थापिया गया है। म्यूनसिपल चोणों के आम आदमी पार्टी नूं मलेरकोटले तो एक सीट मिली सी, अठ म्यूनसिपल कौंसलर श्रोमणी अकाली दल दे जिते सी, एक आज़ाद जिते सी, दो बीजेपी दे जिते सी और 21 कौंसलर कांग्रेस पार्टी दे जिते सी। अज आम आदमी पार्टी कोल 20 कौंसलर हन और एक कौंसलर श्रोमणी अकाली दल कोल है, दो बीजेपी दे हन और 10 कौंसलर कांग्रेस कोल हन। अज असी भारी बहुमत नाल नगर कौंसल मलेरकोटला ते आम आदमी पार्टी का कब्जा किया है और बड़े शांतमई ढंग नाल बड़े प्यार भरे माहौल च कौंसलर साहबान ने आम आदमी पार्टी दियां नीतियां तो प्रभावित होके और लोकल जो साड़ी राजनीति है प्यार दी मुहब्बत दी आपसी भाईचारे नूं मजबूत करन दी अमन और शांति नूं मजबूत करन दी उन्हां सारियां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदे होए आम आदमी पार्टी विच शमूलियत करके आम आदमी पार्टी दा बहुमत कम काफ़ी समय तो रुके पए सी। विकास दे कम शुरू कराने लई और नवे कम जिहड़े बहुत सारे इलाकों में होने वाले हैं वो कम भी मते पा के प्रोसैस स्टार्ट करन लई असीं इह आरजी इंतजाम किए हैं और कुछ समय तो बाद असीं आपसी सहमति नाल सारे कौंसलरां नूं बिठा के नगर कौंसल दा प्रधान परमानेंट चुनांगे और शहर दी बेहतरी लई शहर दी तरक्की लई शहर दे विकास लई इत्थे दे आपसी भाईचारे नूं मजबूत करन लई अमन और शांति दे माहौल नूं बढ़ावा देण लई शहर दे आपसी भाईचारे नूं खुशगवार बनाउण लई असीं मिलजुल के अग्गे वधांगे और शहर नूं इक प्लैंड वे नाल डिवेलप्ड सिटी बनावांगे। इस दी जिहड़ी लुक है वो ऐसी बनावांगे कि देखण च लगे भी हाँ मलेरकोटले दी बाकायदा डिवेलपमेंट होई है और आम आदमी पार्टी जिसने एजेंडे विच मुढ़ली चीज़ करप्शन दा खात्मा है, करप्शन दे लई जीरो टॉलरेंस है। हुण तक जिहड़ियां सरकारां 74-75 साल तो कम कर रही सी वो कमीशन दियां सरकारां सी, आम आदमी पार्टी दी सरकार मिशन दी सरकार है। असीं पंजाब दे अंदर सरबत दे भले दी गल करनी है, असीं पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा है, असीं एजुकेशन दे मैदान विच वधिया स्कूल प्रोवाइड करने, वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वधिया कॉलेजेस देने, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, असीं सेहत सहूलतां दे मैदान विच पंजाब दे लोकां नूं वधिया हस्पताल देने, वधिया सेहत सहूलतां देनियां हन। साडे जे हस्पताल वल झात मारीए, साडे स्कूलां वल झात मारीए, पिछले 73-74 सालां तों इन्हां वल ध्यान नहीं दित्ता गया। साडे पंजाब दे लोकां नूं जो मुढ़लियां लोड़ां हन वो भी सही ढंग सिर नहीं मिल रहियां, सही पानी पीण वाला नहीं मिल रहा, सीवरेज दा सिस्टम ठीक नहीं है, सड़कां ठीक नहीं हन और सफाई दा वधिया इंतज़ाम नहीं है। पर असीं बगार जिहड़ी है किसी की कोठी च किन्ने बंदे काम करदे चैकिंग करांगा और अगर गैर हाजिर पाए गए मुलाजम
तो उन्होंने गैरहाजिरी लगेगी। उस तो बाद फिर उन्होंने जो डिसिप्लिनरी एक्शन होएगा, कोई उद्दे रियायत नहीं होएगी। ईमानदारी का वतीरा हो, साडा अपना पंजाब है, इस रंगला पंजाब बनाना है। बड़े संताप भोगे ने पंजाब ने, देश की आज़ादी में बड़ा अहम रोल अदा किया पंजाब ने। अज उस पंजाब नू असी खुद लुट रहे हैं, उस पंजाब के लोगों नाल असी खुद धोखा कर रहे हैं, पंजाब के लोगों नाल असी ठगी कर रहे हैं, पंजाब के लोगों नाल असी बेइंसाफी कर